इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, सुविरुद्ध माने अति दृढ़, अति दृढ़ मूल वाले, यानी उस जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है वो तो अति दृढ़ है, वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होता। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, दृढ़ माने उस अचल, जिस ज्ञान में कोई मीन मेख ना हो, उस वैराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान रूपी उस शस्त्र द्वारा काटने का अर्थ है उस तत्व ज्ञान के द्वारा समझ कर, अब चौथे में कहा है, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए साधक पुरुष भक्त फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की परिवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता बता रहा है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। और फिर अध्याय नंबर 15 के ही श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए हैं, तीन भगवान बताए हैं, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरय च अक्षर है, क्षरय च अक्षर है एव च क्षरय सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका क्या अर्थ बताया है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, पुरुष माने प्रभु हैं, दो प्रकार के भगवान हैं, एक सर्पुरुष और ये अक्षर पुरुष। सर्पुरुष ये ब्रह्म है और ये अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और पूर्ण संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों भगवानों के इस लोकों में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं वो सब नाशवान हैं और ये खुद भी नाशवान हैं, केवल जीवात्मा ही अविनाशी है। आगे फिर क्या कहा है, अब 17 में मैं कमाल कर दिया, उत्तम पुरुष है तो अन्य श्रेष्ठ प्रभु वास्तविक भगवान तो इन दोनों से 16वें श्लोक में वर्णित सर्पुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और ही है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इनसे भी कोई न्यारा है। परमात्मा इति उदारते जिसको भगवान कहा जाता है, यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमात्मा है। इनके द्वारा अनुवाद, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्यात्मा, आत्मा और परमात्मा का एक संवाद हुआ, आज वो हमारे लिए एक प्रमाण हो गया। परमेश्वर ने बताया कि धर्मदास आप श्री विष्णु जी के द्वारा मान लो, आपकी बात बड़ी करते हैं कि विष्णु जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोला, और आज वो गीता ज्ञानदाता कह रहे वो परमात्मा तो कोई और है। फिर धर्मदास ने अड़ंगा अड़ा दिया कि प्रभु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता यानी विष्णु कह रहा है धर्मदास के शब्दों में कि मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। परमात्मा ने कहा तुमने इसका विचार ठीक नहीं लगाया, तुम्हारे को इसका अनुवाद ठीक नहीं बताया गया। वो क्या कहता है कि मुझे तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। लोक वेद क्या होता है, दंत कथा सुनाया सुनाया ज्ञान, जो अभी तक जैसे देवी भागवत में 7वें स्कंद में दुर्गा कहती है हिमालय को
कि ये ब्रह्म है, वही सबका मालिक है और वही सर्वेश्वर है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, उसका ओम नाम है, और सब पूजाएं छोड़ कर ओम नाम का जाप करो और उससे तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर लोगे। अब ये लोक वेद है और ब्रह्म कह रहा, गीता जी का ज्ञान देते हुए ब्रह्म कह रहा है को परमात्मा तो कोई और है, उसकी शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष होगा। तो ये लोक वेद के आधार से जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर मान रहे थे, महेश्वर मान रहे थे, मृत्युंजय कालजय के कोई माता पिता नहीं है ऐसा मानते थे, ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी। तो इसलिए 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी मेरे अधीन प्राणी हैं, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। पर पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा। परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे और कहा था वो तत्वदर्शी, अब आपने कल वेद में देखा था कि वो परमात्मा यहाँ आते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो आप ही उसका ज्ञान अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को देते हैं। परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखना, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इनके विषय में आपको दिखाते हैं। ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और गीता ज्ञान दाता ने कितना बताया है कि ऊपर तो जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है और बीच में वो कुछ नहीं बता पाया। कहता उसको तत्वदर्शी संत बतावेगा उसके बारे में और वो इसके सारे विभाग बता देगा उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने ये ज्ञान बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है और जड़ हिडन होती हैं, वो गुप्त होती हैं, पृथ्वी में प्रोक्ष होती हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष, ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 का निर्णायक ज्ञान है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 और 16 से 17 का आशय इसके अंदर आपको, अक्षर पुरुष ये तो एक पेड़ समझो, इस संसार रूपी वृक्ष का तना परब्रह्म को, और सर्वब्रह्म कहो चाहे सर पुरुष कहो, इसको सर्वब्रह्म कहो अर्थात सर पुरुष कहो, काल ब्रह्म कहो, ये एक मोटी डार निकली तने में थे, यो तो है ज्योति निरंजन काल सर पुरुष, ये अक्षर पुरुष। और रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसार। अब जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल जो है ये है परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये है वो पूर्ण परमात्मा। और अब हम आपको उस परमात्मा के विषय में जानकारी ऐसे देंगे, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, परम अक्षर ब्रह्म ये कबीर देव है, कबीर जुलाहा जो काशी में धाणक बन का आए थे परमात्मा, धाणक की भूमिका की थी, ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, ये मूल है पूरे संसार की, जहाँ से वही यही परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी जड़ से सब तने को आहार चलता है, तने में आता है, तने से डार में जाता है, डार से शाखाओं में जाता है, फिर हमें प्राप्त होता है। कई पुण्यात्माएं कहते हैं जो हमारे ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं सुन पाते,
वो कहते हैं कि आपके गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में अनाप शनाप बकते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाते हैं। पुण्यात्माओं, जो हमारे सत्संग को ध्यान से नहीं सुनता और ये सत्संग कहीं चल रहा हो सीडी पर, उस समय दुर्भाग्य से उस व्यक्ति जो नया श्रोता होता है उसको यही सुनने को मिल जावे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाशवान हैं, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, इनके माता पिता हैं, वो बिदक जाता है, वो फिड़क जाता है, वो जो है ना एकदम कुपित हो जाता है। उस प्राणी को चाहिए कि धैर्य रखे और न्यू तो सुने युग नाशवान क्यों कह रहे हैं, कुछ प्रमाण तो देंगे तो वो पूरे सुनने चाहिए। तो कई ये कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाते हैं, विष्णु जी की पूजा छुड़वाते हैं, देवी देवताओं पूजनों से मना करते हैं। दास केवल वही आज्ञा देता है पूजा करने की जो हमारे सदग्रंथों ने बता रखी है, जो हमारे सदग्रंथों में हमारे सिलेबस में विद्यमान है वही ज्ञान दास कहेगा आपको तैयारी करने के लिए, नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना व्यर्थ है। तो जैसे एक आप जी आम का पेड़ लाए, आम का छोटा सा पौधा, उसको प्रॉपर बीजने का कौन सा तरीका है, जड़ को नीचे गड्ढा खोदें और जड़ को नीचे मिट्टी में दबाएं और जड़ की सिंचाई करें, पूजा करें, फिर वो धीरे धीरे खुराक, जड़ से खुराक, तने में, तने से डार में, डार से पत्तों में, धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो जाएगा और फिर टहनियों के फल लगेंगे, आम के आम लगेंगे, फल आम का फल लगेगा। तो टहनियों को कोई ये कहे कि टहनियों को काट दो, जड़ की सिंचाई करते रहो, ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं कह सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ना ये कभी दास ने नहीं कहा, ना परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर की वाणी में है, तीनों देवा दिल में बसे, तीनों देवा दल में बसे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। सबसे पहले हम इन्हीं का, इन्हीं की मजदूरी देते हैं, इन्हीं का जाप देते हैं, उसके बाद फिर आप जी को सतनाम दिया जाता है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का जाप, ओम तत् सत में से दो मंत्र, ओम तो सीधा ही है और तत् ये सांकेतिक, ये दोनों अक्षर मिलके सतनाम बन जाता है। फिर उस सतनाम का जाप आपको दिया जाता है जो अक्षर ब्रह्म की कमाई होती है और अक्षर ब्रह्म के लोक से पार होने के लिए उसकी भक्ति की कमाई होती है। और तीसरा सत जो होता है वो सारनाम है, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों को दे करके आपको सतलोक भेजा जाएगा। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ना नहीं, छोड़ने को नहीं कहा गया। जिस प्रकार देखिएगा, हम कोई पौधा लाए आम का और उसको हमने ऐसे बीजा गमले में, समझ ले इसको गड्ढा, समझ लो गड्ढा हमने बीज दिया, तो गड्ढे में जड़ की तरफ से बीजा और जड़ की सिंचाई शुरू की, पूजा की, तो ये बड़ा पेड़ बन गया। ये फिर पेड़ बन जाएगा, ये फिर ऐसे पेड़ बनेगा। अब ये पौधा ऐसा है और कोई ऐसे कर रहा हो, टहनियों को तो गमले में यानी मिट्टी में डाल रखा हो और टहनियों को की पूजा कर रहा हो, सिंचाई कर रहा हो, उसको इतना कहना आवश्यक बनता है समझदार व्यक्ति का कि ये आपने पौधा ठीक नहीं बीज रखा, ये प्रॉपर वे नहीं है प्लांटेशन का, पौधे के बीच